नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही वायरल न्यूज है आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं कि रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से टाइम टेबल को जारी कर दिया गया है। जो वायरल पीडीएफ टाइम टेबल जो वायरल हो रहा है उसमें एकदम एग्जैक्ट लग रहा है कि सही में टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। देखने में किसी तरह से फेक नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं आया है, क्योंकि अभी इस साल जितने भी नोटिस वायरल हुए हैं सब रियल ही थे। किसी तरीके से पब्लिश हो जाता है तो लोग वायरल करने लगते हैं। तो इस बार टाइम टेबल को लेकर एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसके बारे में जिक्र करने वाले हैं, और आप जब देखेंगे तो पता चलेगा एकदम रियल में टाइम सही है। और मुझे लगता है कि हो सकता है मे भी ये सही है, और चांसेस है कि इसी के आसपास आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो आइए इस टाइम टेबल को हम लोग देखते हैं कि क्या टाइम टेबल दिया गया है, और इसी टाइम टेबल के अनुकूल अपने आप को तैयारी भी करना होगा। हो सकता है ये सही हो जाए, और अगर संभवतः ये सही होगा वायरल न्यूज तो एक से दो दिन में आरआरबी के वेबसाइट पर भी अपडेट हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत सारी न्यूज और अपडेट आप लोग इस तरह का हम देते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तो इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप आईटीआई की हैं तो आईटीआई के लाइफ लाइन कह सकते हैं, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ हर तरीके से जो भी आईटीआई के वैकेंसी निकाली जाती है सबका यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और बहुत सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिये, यही टाइम टेबल है जो काफी वायरल है, इसी टाइम टेबल के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है, और सीएन नंबर नोटिफिकेशन नंबर दिया गया, और टेंटेटिव शेड्यूल एग्जाम का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये आरआरबी एग्जामिनेशन 2024-25 के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। अब देखते हैं, पहले नंबर पे है असिस्टेंट लोको पायलट का, ठीक है, जिसमें सीटों की संख्या 18,799 कर दिया गया था, सही है। ये नोटिफिकेशन नंबर भी सही है, CEN 1 अब्लिक 2024, और इसका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट बता रहा है 25/11/2024 से लेकर 29/11/2024, ठीक है, मतलब 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम डेट बताया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से टेक्नीशियन की हम बात करें तो 14,298 पद था, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन नंबर फरवरी में एक्चुअली आया था, CEN 2/2024 है, और इसका जो टाइम टेबल दिया है अलग अलग तरीके से दिया है, एक 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक है, और एक 23 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर है, और 26 दिसंबर है, ठीक है। तो मतलब 16 से लेकर बीच में दो दिन गैप है, और 23, 24 और 26 है, ठीक है। इसके अलावा बात करें सब इंस्पेक्टर का, तो 452 पद था, जिसमें कैटेगरी नंबर की बात करें तो 1/2024 था, तो इसमें जो टाइम टेबल दिया है 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में इसका टाइम टेबल दिया हुआ है। कॉन्स्टेबल की हम बात करें तो 4208 पद था, इसका हम बात करें पेपर नोटिफिकेशन नंबर का तो 2/2024 है, इसका डेट देखिए 8 जनवरी है, 10 जनवरी 2025 है, 15 जनवरी 2025 है, 17 जनवरी 2025 है, इसके अलावा 27 जनवरी, 3 मार्च और 7 मार्च का ये टाइम टेबल दिया हुआ है। अब इसका टाइम टेबल में फरवरी कहीं नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट एक के बार दे दिया है, कितना आपका मार्च दे दिया है, तो थोड़ा बहुत यहां से डाउट बनने का संभावना नजर आ रहा है, ठीक है। ये दो दो 3 मार्च और 7 मार्च वाला, ठीक है, बाकी तो सही दिख रहा है। इसके अलावा हम बात करें जूनियर इंजीनियर का, ठीक है, तो 7,995 पद था, और इसका जो डेट दिया है 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को, ठीक है। जूनियर इंजीनियर का पारा मेडिकल कैटेगरी की बात करें 1376 है, इसका जो टाइम टेबल दिया है मार्च 2025, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, मार्च 2025 बताया गया है। और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल वाले में जो 8,133 सीट था, इसका टाइम टेबल अप्रैल 2025 बताया गया है। और नॉन टेक्निकल जो अंडर ग्रेजुएट लेवल था, 12th लेवल वाला था, जिसमें 3,445 सीटें थी, इसका मई जून 2025 बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइम टेबल देखने को मिल रहा है, और ये देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सत्य है, रियल जैसा दिख रहा है। बाकी जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ नहीं जाए तब तक कहना मुश्किल है कि रियल है या फेक है, लेकिन संभवतः आरआरबी के तरफ से जो भी टाइम टेबल आएंगे इसी के आसपास रहने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले न्यूज में, पेपर में ऐसा न्यूज चला था कि भाई दिसंबर तक एएलपी का एग्जाम हो जाएगा, जैसा कि आप लोग, इस पर हमने वीडियो भी बनाया था, आप लोग देखे भी थे, तो संभवतः
चांसेस है कि ये टाइम टेबल सही हो सकता है, अगर नहीं भी सही होगा तो इसी के आसपास एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। और एएलपी का सबसे पहले एग्जाम होने वाला है, तो मात्र 99 रुपया में, 99 रुपए में हम 30 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है सीबीटी वन के लिए, ठीक है, सीबीटी वन के लिए प्रैक्टिस सेट है। आप इसे परचेज कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, मजा आ जाएगा, देख लीजिए। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन किए होंगे, 99 रुपए में कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक आंसर की और डिटेल सोल्यूशन भी दिया हुआ है, और ये पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, रेलवे वाला सेक्शन में आपको दिख जाएगा। और एक बार ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस प्रैक्टिस सेट का लेवल क्या है, ठीक है। आगे बढ़े तो भाई, रेलवे ग्रुप डी का जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, इजी वे कोचिंग की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का जो कोर्स था उस पर 50% का डिस्काउंट हम लोगों ने कर दिया। नवरात्रि बाद ये डिस्काउंट हट जाएगा, उससे पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कूपन कोड दुर्गा माँ अप्लाई करना है और आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो रेलवे के अदर जितने भी कोर्सेस है, ग्रुप डी को छोड़कर जितने भी कोर्सेस है, सभी कोर्स पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे। रेलवे के सभी कोर्स में, ग्रुप डी में 50% है, बाकी में 20% है, और आरआरबी 20-ABHI डालेंगे तो आप इस कोर्स को ले पाएंगे। जो भी कोर्सेस है आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का, एक भाई फाउंडेशन बैच का डिस्काउंट दीजिए, तो फाउंडेशन बैच में भी हम लोगों ने 10% का डिस्काउंट दे दिया है, और कूपन कोड है FOUND-10 ये डालेंगे तो फाउंडेशन बैच में भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे कोर्सेस में डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप कूपन कोड अप्लाई करके परचेज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो नोटिस था, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, और अगर ये सत्य निकलता है, सारी चीजें सब चीज सही रहता है, तो फिर से मैं वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट है। फिलहाल ये जो नोटिस वायरल हो रहा है, इस पे इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी में लगे रहिएगा। कहीं दाएं बाएं थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन यही एग्जाम टाइम टेबल रह सकता है, इसीलिए आपको घबराने या विचलित होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम इसी दौरान होने वाला है, तैयारी को अंतिम चरण देकर चलिएगा, क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस करिएगा। अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का समय है, और जो भी कमियां है उसको दूर करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करने का जिम्मेदारी हम आप पे छोड़ देते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही था, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।